अब लिम्फेटिक सिस्टम के बाद जो टॉपिक आ जाता है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा स्पाइनल नर्व, इन सबको मैंने डिटेल से अपने वीडियोस में अपलोड कर दिया है। और जितना मैंने अपलोड किया है अभी एज अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स होने की वजह से आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन इतनी जो भी चैप्टर नंबर 1 में दी गई है वो इनफ है, ठीक है। क्योंकि आप इसे डिटेल्स में करेंगे जब आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लाइक जब CNS मॉड्यूल करेंगे तो उसमें अलग से एक स्नेल की बुक आती है, सो उसमें जो है आप लोग इस टॉपिक को दोबारा जो है वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो अभी फिलहाल जितना मेरे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम्स वही आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है। उन सब की लिंक अब तक जो भी जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उन वीडियोज़ के लिंक इन वीडियो में भी और प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें भी मैंने लाइन वाइज जो है वो वहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर दिए हैं, ताकि आप लोग एटलीस्ट वो पूरी जब वीडियोस देखेंगे ना लाइन वाइज तो आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जनरल एनाटॉमी के जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो और उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे वो सारे मैं अपने इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर कायना ज्योति वहां पे जो है वो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो उसके बाद ये सारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्लक्सेस इन सब से रिलेटेड डिटेल से वीडियोस अपलोड कर दी हैं मैंने अपने लेक्चर जो है वो अपने चैनल पे, सो आप लोग वहां से करेंगे तो आप लोगों के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनफ होगा, ठीक है। इतना सब कुछ नहीं पूछा जाता रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन आपके पास जो है वो अच्छा उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो अब इस वीडियो के बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। सो उसमें क्या क्या मेन मेन चीजें आप लोगों ने कवर करनी है वो अपकमिंग वीडियो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अपलोड होगी, उसमें मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं बाकायदा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं आपके पास टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने चाहिए या किस तरीके से आपको करनी चाहिए। लाइक देखिए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लाइक लिम्फेटिक सिस्टम तो मैंने आप लोगों से कवर डिस्कस कर लिया था, इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी अपनी इंस्टाग्राम पेज पे। देन मैंने आप लोगों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो है वो नर्वस सिस्टम क्या होता है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, उसके अलावा क्रेनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। इन सब के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। जैसे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सब नोट्स जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है, तो इसके बाद जो वीडियोज़ अपलोड होंगी वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे अपलोड होंगी, उसके भी मेरे पास नोट्स मैंने पूरे प्रिपेयर कर लिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। सो अब जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास मेरे पास रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करना है, तो वो इंशाल्लाह आज ही वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि मुझे इस चैप्टर को एंड करना है। और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं लाइक जिन्हें एब्डोमेन से रिलेटेड या रिब से रिलेटेड या सेकंड थर्ड चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे वो अपलोड करनी है, तो आज मैं एनी हाउ इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। देन उसके बाद सीरियस मेम्ब्रेन से रिलेटेड इतना कुछ आपके लिए आता नहीं है, लेकिन वो भी मेरा आज ही डिस्कस हो जाएगा। बोन्स से रिलेटेड मैंने डिटेल्स से बोन्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो उसमें मैंने लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और बोन्स की क्लासिफिकेशन ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा बोन मैरो को भी मैंने डिस्कस कर लिया, डेवलपमेंट ऑफ बोन को भी मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक वीडियो और आएगी जिसमें कार्टिलेजेस को हम डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग जो क्लिनिकल्स वगैरह इस बुक में दिए गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरा कहने का मकसद यह है कि आप सारी वीडियोज स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी की अब तक मेरी जितनी भी वीडियोज अपलोड हो गई हैं आप एक दो दिन लेके वो सारी वीडियोज जो है वो देख लें एक बार, और फिर भी कोई क्यूरी हो तो जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो अपलोड करती जाऊंगी, ठीक है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी। सो अगर आप ये चैप्टर जो है वो अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जनरल एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड सारी वीडियोज भी मैंने डिस्कस कर ली हैं, क्योंकि जनरल एनाटॉमी में इन्हीं सारे टॉपिक को जो है वो बेसिकली
यहाँ पे देखिए इन्हीं सारे टॉपिक्स को यहाँ पे आप लोगों से जो डिस्कस किया गया बस इतना ही आपको जनरल एनाटॉमी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप जनरल एनाटॉमी की ये बुक भी जो है वो कवर कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि मैं इसके बाद इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैं इनके सारे चैप्टर्स जो है वो उन्हें भी अलग से अपलोड करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा व्यू देती जाऊंगी, लाइक 10 से 15 मिनट की वीडियोस जो है वो अपलोड करती जाऊंगी हर चैप्टर से रिलेटेड, कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, स्केलेटन्स में आपने कौन सी बोन्स करनी है, कौन सी कार्टिलेजेस करनी है, ठीक है। ये चैप्टर इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मैं सून जो है वो आपको इस चैप्टर से बताऊंगी, इस बुक से बताऊंगी कि किस तरीके से आप जनरल एनाटॉमी जो है वो इस बुक के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। और जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक और काम कर दूंगी कि एक 15-10 मिनट की वीडियोस जो है मैं अपलोड करती जाऊंगी इसके जनरल एनाटॉमी के जो बीडी के चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड। आई होप आप उन बच्चों की क्लियर हो गई कि क्यूरी जिन्हें चाहिए कि किस तरीके से वो ये सबको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया, अगर आप एक दिन के अंदर, क्योंकि रिमेनिंग मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो मैं इंशाल्लाह आज और कल में चैप्टर नंबर 1 को क्लोज कर दूंगी, तो वो सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूंगी। सो स्टार्टिंग से लेके अब तक जितनी भी वीडियोस हैं अगर आप उसने लाइन वाइज देखते हैं और उसके बाद बुक को रीड करते हैं तो आई एम श्योर आपकी जो जनरल एनाटॉमी है उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई आपके पास टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। आई होप अब तक यहाँ तक जितनी भी आपकी क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो गई होंगी, कवर हो गई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी कोई कमेंट है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँगी, ठीक है। इस तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूं। आई होप अब जो है आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी लाइन वाइज लाइन मैं कमेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे एक कमेंट से रिलेटेड डेली एक वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपकी कवर हो जाए। तो दैट अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।